देख डरी हो शाम बादल देख डरी हो शाम बादल देख डरी हो शाम बादल देख डरी जीवन परिचय, उनकी कृतियों के बारे में जानकारी दें और ये जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ श्री शिव विजय सिंह जी माया रमन जी। तो आइए जानते हैं भक्ति काल की प्रमुख कवयित्री मीराबाई जी के बारे में। बच्चों नमस्कार, आज हम बात करेंगे मीराबाई के बारे में। मीराबाई को भक्ति काल की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री कहा जाए तो गलत नहीं। मीराबाई की रचना है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। बच्चों इस कविता को सुन के आप समझ गए होंगे कि मीराबाई किस तरह से कृष्ण को अपने में समा ली थी, पूरी तरह से कृष्णमय हो गई थी। लेकिन बच्चों किसी भी साहित्यकार व रचनाकार के लेखन के लेखन पर बात करने से पहले यदि उनके जीवन परिचय को जान लें तो बहुत अच्छा होता है। आज हमारे बीच माया जी मौजूद हैं। माया जी नमस्कार। नमस्कार। आज आप बच्चों को थोड़ा सा बताइए मीराबाई के जीवन परिचय व उनके लेखन के बारे में। बिल्कुल शिव विजय जी, मीराबाई का जो आविर्भाव हुआ था, जब मीराबाई ने भक्ति काल में प्रवेश किया था, पदार्पण किया था, उस समय किया था जब भक्ति काल का सूर्य अस्त होने को था और रीति काल अपना प्रभाव डाल चुका था। मीराबाई का जन्म संवत 1555 के आसपास हुआ था और ये राठौर वंश में पैदा हुई थी, ग्राम चौकड़ी राजस्थान में हुए थे। इनके बहुत जल्दी ये अपने माता के स्नेह से वंचित हो गई थी, मृत्यु इनकी इनके माता की मृत्यु हो गई थी और इनका पालन पोषण किया था इनके दादाजी जिनका नाम था दूदा। हाँ जी। और वो विष्णु के परम भक्त थे जी। ये बचपन में जब अपने माँ को कृष्ण की मूर्ति के सामने घंटियां बजाते हुए देखती थी या उस आवाजों को सुनती थी तो इनके मन में भक्ति का जो भाव था बहुत जल्दी जागृत हो गया था, यानी बचपन से ये कृष्ण प्रेम में विभोर हो चुकी थी जी। इनका जन्म हुआ था राठौर वंश के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ जी। और बहुत ही कम समय में, यानी शायद एक साल ही मुश्किल से बीता था। इनका विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था और भोजराज बहुत जल्दी ही उनका इंतकाल हो गया था, मृत्यु हो गई थी, यानी शायद एक साल ही मुश्किल से बीता था। तो इसके बाद से मीराबाई का मन एकदम से विरक्त हो गया था पूरे संसार से, मतलब पति की मृत्यु के बाद में, और उन्होंने तब से अपने आप को बिल्कुल अपने को कृष्णमय किया और कृष्ण की उपासना में, कृष्ण की आराधना में हमेशा ही लीन रहते। तब इनका सारा कार्य कृष्ण पर ही आधारित। हाँ, सारा कार्य उनका कृष्ण पर ही आधारित है। उनके हर, जैसे सूरदास जी ने उनके बाल रूप का, कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया था, लेकिन इन्होंने कृष्ण को अपने पति के रूप में भी देखा था, यानी उनके उसी रूप को उन्होंने अपने मन में धारण कर लिया था। मीराबाई बितोलीन रहती थी, साधु संतों के साथ रहती थी और लोक लाज की परवाह नहीं की, इस कारण से वो अपनों के बीच में एकदम से पराई हो गई थी, क्योंकि जब वो बाहर रहती थी या साधु संतों के साथ रहती थी, बात उनके परिवारिक जनों को अच्छी नहीं लगी और इसके लिए उनके देवर ने विष का प्याला भेजा था उनको पीने के लिए। मीराबाई को विष का प्याला भेजा, तो वो मीराबाई उस विष के प्याले को हंसी खुशी पी गई थी अमृत समझ करके, और उनको कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह के और भी अत्याचार मीराबाई के ऊपर किए गए, लेकिन वो सब अत्याचारों को उन्होंने अपने प्रभु की इच्छा जान करके सहन कर लिया, खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और ये सब परिणाम था उनकी कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति का जी, अटूट भक्ति का। तो इस तरह से ये परिवार के जो परेशानियां थी उससे परेशान होकर के उन्होंने एक बार तुलसीदास जी से मार्गदर्शन भी मांगा और तुलसीदास ने उनको संदेशा लिख करके भेजा कि जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहे कोट बैरी सम यद्यपि परम स्नेही।
यानी चाहे उन कितने भी कोई प्रिय क्यों ना हो, यदि उनके प्रभु के साथ का किसी का मेल नहीं है, वो उसको प्यार प्रभु के साथ प्यार नहीं करते जी, तो उसको तज देना ही ठीक होता है जी। तो ये बात से प्रभावित होकर मीराबाई ने महलों का परित्याग कर दिया और वृंदावन की ओर चल पड़ी। बस संतों के पास चली गई, तो ऐसे हाँ संतों के पास चली गई, संगत में आ गई, उनकी संगत में आ गई और वहां पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने को भक्ति में ही लीन रखा जी। और जो अंतिम समय था मीराबाई का, वो उस वो पल जो उन्होंने द्वारिका में बिताए और जिस समय उनकी मृत्यु हुई वो केवल 48 वर्ष की थी, 48 साल की, केवल 48 वर्ष की थी और मैंने बहुत कम समय में उनकी मृत्यु हो गई थी। अपने को कृष्णमय कर लेने के बाद जो उनके मन से भावों का भंडार फूटा था वो भंडार ही उनके काव्य का रूप बन गई, यानी उनकी जो काव्य रचनाएं हैं वो उनकी भक्ति से ओतप्रोत थी जी। बिल्कुल जी। उनकी काव्य रचनाओं में प्रमुख रचना है गीत गोविंद जी, राम जी का टीका जी, जिसमें सोठा छंद में गाए गए हैं पद, मीरा का गरबा, गरबा शैली में उन्होंने व्यक्त किया है अपने आप को, और मीरा के पद जो प्रसिद्ध रचना है उनकी, मीरा के पद जी। ये मीरा के पद जो है इसमें 200 पद हैं और इसमें भक्ति भाव की माधुर्य भक्ति भाव की प्रधानता है। मीरा के पद में कुल 200 पद हैं, 200 पद हैं जी, जी। और मीरा मुख्य रूप से कवयित्री तो थी नहीं जी, वो तो भक्त थी जी। और वो ही जो भक्ति उनके मन से फूट पड़ती थी वो उसने काव्य का रूप धारण कर लिया जी, जी, जी। इस तरह से मीराबाई को अगर हम सुने पढ़े तो देखें उनके काव्य में वियोग श्रृंगार की, संयोग श्रृंगार की प्रधानता है। संयोग श्रृंगार का एक सुंदर सा उदाहरण देखिए, उस पद को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि मानो उन्होंने मीराबाई ने कृष्ण के उस रूप को देखा है और उसी का वर्णन यानी आंखों देखा वर्णन वो कर रही है जी। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, इनकी भाषा राजस्थानी शैली में ज्यादा ब्रज भाषा नहीं, इनके जहां तक उसमें जो राजस्थानी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है उसमें जैसे मारो थारो पावेली राखेली इस तरह के शब्द जो है उदाहरण है जो इस बात को इंगित करते हैं कि वो राजस्थानी भाषा को ज्यादा उन्होंने वरीयता दी है। तो इस तरह से मीराबाई का एक कहना चाहिए कि बहुत क्रांतिकारी कवि स्वरूप दिखा, स्वरूप दिखा क्योंकि किसी की राजवंश से हटके वो संतों के बीच में आई, वो संतों के बीच में आई और युगों युगों तक अपने कृष्ण प्रेम के कारण अमर हो गई। तो बच्चों आपने जाना मीराबाई के साहित्य के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में और उनके किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया अपने परिवार से और वो संतों के बीच में आई और उन्होंने काव्य लेखन किया। मित्रों आज आपने जाना भक्ति काल की प्रमुख कवयित्री मीराबाई जी के बारे में, उनका जीवन परिचय और उनकी कृतियों के बारे में। हम अपनी अगली मुलाकात में किसी ऐसे ही रोचक बिंदु के साथ फिर से उपस्थित होंगे। नमस्कार।